हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट रूल की जो सीरीज चल रही थी उसी सीक्वेंस में क्लास नंबर 24 यह जो रूल है ये हम पढ़ेंगे मॉडल्स वर्क के अकॉर्डिंग। आपको यह रूल लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा रूल अच्छे समझ में आ जाएगा और यह वीडियो आपको एकेडमिक प्लस कम्पिटेटिव एग्जाम दोनों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 में है क्या मॉडल्स, मॉडल्स के साथ हम लोग को क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉडल के साथ बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यानी मेन वर्ब की बेस फॉर्म, बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और मॉडल के साथ इंफिनिटिव का यूज नहीं होता है। इंफिनिटिव मतलब 2+D1 का यूज करना गलत हो जाएगा और मॉडल के साथ एडजेक्टिव का भी यूज करना गलत होता है। तो आपको इसी रूल को हम नीचे बताएंगे एग्जाम्पल से। तो आइए देखते हैं। सबसे तो पहला एग्जाम्पल दिया है यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट्स। शुड नॉट, शुड क्या है मॉडल वर्ब है, शुड है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद बोस्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोस्ट हो जाएगा। बोस्टिंग गलत होगा, BOAST। बोस्ट मतलब होता है डींगे मारना, काहे के डींगे मारना अपनी अचीवमेंट्स। दूसरा सेंटेंस देखिए, द पेडिस्ट्रियंस शुड टू बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड। द पेडिस्ट्रियंस शुड टू बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो इस सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्या करती है द पेडिस्ट्रियंस शुड टू बी, तो शुड के साथ टू बी नहीं होगा, शुड के साथ हो जाएगा सिर्फ बी। टू बी होता है इंफिनिटिव तो ये यूज करना गलत होगा। द पेडिस्ट्रियंस शुड बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड। थर्ड नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है द कॉन्फ्रेंस विल बीन अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट। अब ये कॉन्फ्रेंस किस लिए हुआ है कि वुमेन के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे वुमेन्स के लिए, कॉन्फ्रेंस विल के साथ बी नहीं होगा, क्या हो जाएगा बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आपको पता है बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेस फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बी। तो विल के साथ हम लोग को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नंबर फोर ऑफ द रूल क्या कह रहा है कि एग्जांपल वी शुड ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स, हमें अपने व्यवहार और अपने लेन देन में क्या आना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो वी शुड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने से के लिए हम लोग क्या यूज करना पड़ेगा बी, तो शुड के साथ क्या लगा देंगे बी, अभी वर्ब की फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा। फिर आइए लास्ट फिफ्थ नंबर वाले सेंटेंस में देखते हैं। फिफ्थ नंबर सेंटेंस में क्या कहा गया शी मस्ट नॉट टू वेस्ट टाइम। तो इसमें गलती क्या है, शी मस्ट नॉट टू हो जाएगा इंफिनिटिव, तो शी मस्ट के साथ क्या रहेंगे वेस्ट टाइम। शी मस्ट नॉट टू क्या हो जाएगा इंफिनिटिव का ही हो जाएगा, टू हटा देंगे, शी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।